नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। शंकरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत पतरा टोली पहाड़ी कोरवा आश्रम काफी जर्जर हो चुका है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि पतरा टोली आश्रम काफी ही डरावना हो चुका है। इसमें लगभग पहाड़ी कोरवा के बच्चे, लगभग 50 बच्चे आश्रम में रहकर पढ़ाई करते हैं। बच्चों ने बताया कि आश्रम में रहने से हम लोगों को भारी डर बना रहता है और बरसात के दिनों में छतों से पानी भी टपकने लगता है। बच्चों ने मीडिया के माध्यम से यह बताना चाहा है कि हमारे पहाड़ी कोरवा आश्रम को नया बनवाया जाए, अन्यथा इसकी मरम्मत कराई जाए। इस दौरान हमने जब हॉस्टल के प्रभारी से बात की तो बताया इसकी शिकायत हमने कई बार आवेदन लिखकर जिला अधिकारी एवं शंकरगढ़ के बीईओ लिखित आवेदन भी दिए हैं, परंतु इसकी अभी तक कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। सर, हम यहाँ पे रहते हैं, सब दीवार सब गिरता है, सोने से हम लोग को डर लगता है। छत का क्या स्थिति है बताओ? छत कैसा ऊपर का? कमजोर है। छत भी कमजोर है बोलो, हमेशा गिरते रहता है उसका टूट टूट के। छत भी कमजोर है, हमेशा टूट टूट के गिरते रहता है। जान बचा के हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जान बचा के हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कभी भी डर बने रहता है कहीं गिर मत जाए? कभी भी डर रहता है, कभी भी गिर जाता है। पतरा टोली आश्रम बहुत ही जर्जर है सर। कभी भी हम लोग को डर बना रहता है, जिस गिरने का संभावना रहता है। क्या प्रयास? बहुत आवेदन दे के हम लोग तो प्रयास किए, लेकिन अभी तक कोई सुझाव हम लोग को नहीं दिया गया है। क्या स्थिति है रूम की? रूम की स्थिति तो आप लोग देख लिए हैं, पूरा जर्जर है। छत का स्थिति भी टूट टूट के गिर रहा है, उसको भी आप लोग देख ही लिए हैं। हॉस्टल का स्थिति बहुत खराब है। मैं बीच बीच में आते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। मैं भी देख के मेरे को भी डर लगता है, और बच्चे लोग, मैं खुद डरता हूँ तो बच्चे लोग तो खुद ही डरेंगे। पूरा दीवार भी पूरा जर्जर है, पूरा पानी चूता है, और कहीं कहीं तो दीवार भी दब गया है। इसके कारण बच्चे लोग को बहुत खतरा है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई, यहाँ पूरा उसका शासन से उसका या तो नया बिल्डिंग दें या तो इसका मरम्मत करवाएं।